पिछले 24 घंटों में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई, साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखी गई। और जो सबसे अधिक भारी बारिश थी 110 मिलीमीटर राजमहल साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। मुख्य जो वर्षापात थे वो राजमहल में 110 मिलीमीटर, साहिबगंज में 75 मिलीमीटर, कोलाबीरा में 65 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 54 मिलीमीटर, पाकुड़िया में 46 मिलीमीटर, सिमडेगा में 45 मिलीमीटर, पथरगामा में 45 मिलीमीटर और गोड्डा में 42 मिलीमीटर। तो कुल मिला के झारखंड में लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ साथ में कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी देखी गई और कुछ जगहों पे आपको गर्जन भी देखने को मिली। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड में कैसा मौसम रहेगा। तो आज में 30 तारीख में झारखंड में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है और कल से थोड़ी सी जो बारिश है उसमें आपको कमी आएगी और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 2 तारीख को आपको कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 3 तारीख से फिर से थोड़ा सा जो बारिश है उसमें हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और राज्य में कुछ स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और 4 तारीख में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए तो हेवी रेनफॉल की, तो 3 तारीख में राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे हुए जो भाग हैं वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और 1 और 2 तारीख में गर्जन और वज्रपात की थोड़ी सी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा जो रेनफॉल में जो कमी आई है, थोड़ी सी धूप आ रही है तो गर्जन वज्रपात की स्थितियाँ बन रही है, जिसके चलते 1 और 2 तारीख को गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले दिनों में भी झारखंड में आपको थोड़ी बारिश देखने को मिलेगी। 2 तारीख में थोड़ी सी कम हो सकती है बट फिर से 3 तारीख में हल्की सी बारिश पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में झारखंड में आपको लगभग सभी स्थानों पे थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी और फिर से 4 तारीख से फिर से जो बारिश है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बट ये है कि किसान भाइयों के लिए स्थिति अभी जो अच्छी है, क्योंकि झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर बारिश हुई है और जो खेत हैं वो थोड़े तैयार हो रहे हैं जिससे किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। जून के वर्षापात की बात की जाए तो जून में अभी तक जो एक्चुअल वास्तविक जो वर्षापात है 108.5 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य वर्षापात है नॉर्मल है वो 179.5 मिलीमीटर है और अभी तक जो विचलन है डिपार्चर है वो -43% है। और 3 डिस्ट्रिक्ट हैं साहिबगंज, दुमका और सिमडेगा जहाँ पे सामान्य बारिश हुई है और 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य से कम बारिश हुई है और 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। तो स्थिति धीरे धीरे थोड़ी सी सुधर रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सामान्य बारिश वाले डिस्ट्रिक्टों की संख्या बढ़ेगी और अभी के हिसाब से किसान भाइयों के लिए जो स्थिति है वो पॉजिटिव है और वो अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे आने वाले जो धान रोपण की वो जिला में तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।